हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ आंवला एलोवेरा जूस के बारे में, जिसके साथ में है व्हीट ग्रास जूस। दोस्तों, ये उत्पाद है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड का, और इसके प्राइस की बात करें तो ये 500 ml की बोतल आती है 100 रुपये में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ये जूस हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से इफ़ेक्टिव है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें है 40% आंवला का जूस, 40% एलोवेरा का जूस और 20% व्हीट ग्रास जूस। दोस्तों, आंवला और एलोवेरा तो पोषक तत्वों का खजाना है ही, व्हीट ग्रास जूस में भी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत ही सहायक है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारते हैं, यानी कि इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। दोस्तों, ये जूस पेट संबंधी समस्याओं, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को दूर करके पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जो लोग अपना वजन कम करके फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जूस बेहतरीन ऑप्शन है। इस जूस में पाए जाने वाले पोषक तत्व बालों और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी सहायक है। दोस्तों, ये जूस आयरन और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, इसलिए एनीमिया की समस्या दूर करके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। साथ ही ये जूस डायबिटीज और कई तरह की बीमारियों में भी फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये जूस एक रसायन की तरह काम करता है, इसलिए हेल्थ कॉन्शियस लोगों को इसका नियमित रूप से सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका नियमित रूप से सेवन कई बीमारियों को दूर रखता है और उम्र को बढ़ाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस सवरस को लेने का सही तरीका क्या है। इस जूस को लेने से पहले आप इसकी बोतल को अच्छे से हिलाएं, ताकि जो इसके घटक है वो आपस में मिक्स हो जाए। इसे आप 15 से 25 ml को दिन में 2 बार लें भूखे पेट, और जितना जूस लेते हैं उतनी मात्रा में ही पानी को मिलाएं। इस जूस को लेने के बाद में अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है तो आप इसे लंबे समय तक भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इस जूस को लेते समय आप कभी भी शराब, धूम्रपान या जंक फूड का सेवन नहीं करें, क्योंकि ये एक हर्बल टॉनिक है। ये तभी काम करेगा जब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो। इसलिए आप एक्सरसाइज करें, नींद को पूरा लें और खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।